अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी आईडीएस वाली जो असाइनमेंट है उसका अपडेटेड वर्जन है, जिसके अंदर जो अपडेट्स मैंने किए हैं एनालाइजर वाले कोड के अंदर वो एक्सप्लेन किए जाएंगे। इससे पहले कोड को भी और एनालाइजर को भी और इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को भी ऑलरेडी जो पिछली वीडियो है उसके अंदर अपलोड किया जा चुका है। इसके अंदर एनालाइजर के अंदर जो एनहेंसमेंट की गई है उनको डिस्कस किया जाएगा। तो एनालाइजर में अब ये किया गया है कि वो प्रोग्राम जब कोई सर्वर जो है वो डाटा क्लाइंट से रिसीव करता है प्रोसेस का और नेटवर्क का और उसको रेलिवेंट सीएसवी फाइल्स में सेव कर लेता है, तो उसके बाद एनालाइजर जो है उसके अंदर इंसिडेंट को रिव्यू करता है और उनको मैच करवाता है कि कोई इंसिडेंट वगैरह तो अगर नहीं हुआ नेटवर्क के हवाले से या प्रोसेस के हवाले से। तो इसमें किया ये गया है कि दो ब्लैकलिस्ट रूल की फाइल बनाई गई हैं। पहली है रूल प्रो ओके के नाम से, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कुछ मिलिशियस प्रोसेसेस जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक्सेल डॉट एक्सी चल रही हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि एक मिलिशियस प्रोग्राम वन है, इसी तरह वर्ड की एक्सी चल रही हो तो मिलिशियस प्रोग्राम टू है, और इसी तरह एस वी एक्स होस्ट अगर चल रहा हो तो हाईली मिलिशियस प्रोग्राम है। इसको मैंने एस वी एक्स किया हुआ है ताकि ये मेरे एस वी सी होस्ट के साथ मैच ना करे, बिकॉज अदरवाइज ये काफ़ी सारी एंट्रीज जो है वो ले आएगा। सही है। तो ये थी हमारी मिलिशियस प्रोग्राम की ब्लैकलिस्ट फाइल प्रोसेसेस के हवाले से, और इसी तरह हमारे पास एक और फाइल है मिलिशियस नेटवर्क कनेक्शंस के हवाले से, जिसके अंदर जो मिलिशियस आईपीज़ हैं वो दिए गए हैं कि वो कौन कौन से मिलिशियस आईपीज़ हैं जिनके साथ कनेक्शन बनाना का मतलब ये है, या कनेक्शन अगर बन रहा हो तो इसका मतलब है कि मिलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास दो ब्लैकलिस्ट वाली फाइल्स आ गई, जिसमें से एक का नाम है रूल नेट ओके और दूसरे का नाम है रूल प्रो ओके। प्रो वाले में प्रोसेसेस मिलिशियस प्रोसेसेस के डिटेल पड़ी हुई, और नेट ओके वाले में मिलिशियस नेटवर्क कनेक्शंस या आईपीस की डिटेल पड़ी हुई है। तो अब हम वन बाय वन इस प्रोग्राम को रन करेंगे और फिर इसको देखेंगे कि जो अपडेटेड फंक्शनलिटी है ये कैसे परफॉर्म कर रही है हमारे इस वाले सिनेरियो के अंदर। तो हम सबसे पहले जाके सर्वर को रन कर देंगे, ताकि सर्वर जो है वो लिसनिंग मोड में आ जाए। तो हम इसको 4224 नंबर पोर्ट के ऊपर रन कर रहे हैं सर्वर को, तो सर्वर ने लिसनिंग स्टार्ट कर दी। उसके बाद अब हम क्लाइंट साइड से कनेक्शन बनाएंगे। देखें अभी तक इस फोल्डर के अंदर कोई एक्स वाई जेड नाम की फाइल्स अवेलेबल नहीं है प्रोसेसिंग के लिए, तो अगर हम यहाँ पे एनालाइजर को रन करें तो देखिए एनालाइजर को कोई नई फाइल नहीं मिली प्रोसेस करने के लिए। अब हम क्लाइंट साइड से जाकर कनेक्शन बनाते हैं उसी 4224 नंबर के ऊपर जो सर्वर चल रहा है उसके साथ। तो इसने यहाँ पे कनेक्शन बनाया, क्लाइंट ने अपना डाटा सेंड किया और उसके बाद कनेक्शन ख़त्म कर दिया। क्लाइंट साइड के ऊपर हम इस बिहेवियर को मिमिक कराने के लिए हम लेटर ऑन लिनक्स के क्रॉन टैब या विंडोज़ का जो टास्क शेड्यूलर होता है उसको यूज़ करेंगे, और फॉर एग्जाम्पल इसको हम अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर रन करवा देंगे इस क्लाइंट साइड को, ताकि उस फ्रीक्वेंसी ऑफ द टाइम के बाद ये सर्वर को अपनी इंफॉर्मेशन करंट जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं और जो नेटवर्क के कनेक्शन हैं उनको भेजता रहे। तो इसने इस वक्त जो करंटली प्रोसेस चल रहे थे और जो करंटली नेटवर्क के कनेक्शन बने हुए थे उनकी डिटेल उसने सर्वर के ऊपर भेज दी है। और अगर अब हम इस फोल्डर में जाके देखें तो हमारे पास ये नई तीन फाइल्स आ चुकी हैं, जो कि क्लाइंट आईपी और क्लाइंट ने जिस पोर्ट पे कनेक्शन बनाया है उसको यूज़ करते हुए उसने उसका नाम बनाया है, और ये तीन अदद फाइल इस वक्त हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर रिव्यू। और हम चाहें तो इनको नोटपैड में ओपन करके इसके अंदर जो डिटेल है उनको देख भी सकते हैं। रॉ फॉर्मेट में है अभी ये, तो अगर हम इनको नोटपैड में ओपन करें तो ये देखें इसमें इस तरह की कुछ डिटेल्स आ रही हैं प्रोसेस वगैरह के हवाले से रॉ फॉर्म में। अभी हम चलते हैं वापस, और अब हम क्या करते हैं कि हम अब यहाँ पे एनालाइजर को एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं कि क्या हमारे पास कोई नई फाइल्स आई हैं जो कि अभी तक प्रोसेस ना हुई हुई हूँ। तो हम प्रोजेक्ट एनालाइजर को रन करेंगे तो उसने बताया कि हाँ जी मेरे पास तीन फाइल्स थी, और उसने उन तीनों फाइलों को प्रोसेस किया और उसके बाद ये एनालाइजर वापस आ गया। और हम इस एनालाइजर को दोबारा रन करें तो जो कि मज़ीद कोई नई फाइल्स नहीं आई अभी तक प्रोसेस होने के लिए, तो उसने कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया। तो एनालाइजर को भी हम सर्वर साइड के ऊपर इसी तरह शेड्यूल टास्क या क्रॉन टैब के अंदर यूज़ करते हुए
इसको भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि हर थोड़ी देर के बाद ये प्रोसेस के हवाले से जो नई इंफॉर्मेशन आई है उसको एनालाइज करता रहे। अब देखिए उसने क्या किया कि उसने एक्स वाई जेड फाइलों को डिलीट करके उनको अब प्रॉपर CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम देख लेते हैं वन बाय वन। ये है नेटवर्क वाली CSV फाइल जो कि उसने कन्वर्ट की है, इसको खोल कर देखते हैं। तो देखिए ये बता रहा है कि नेटवर्क के हवाले से इसके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है, प्रोसेस आईडी, स्टेटस, लोकल आईपी, लोकल पोर्ट, रिमोट आईपी और रिमोट पोर्ट, ठीक है, और कनेक्शन का स्टेटस है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश है या लिसन मोड में है, क्या कर रहा है। इसी तरह से प्रोसेस के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको भी हम रिव्यू कर लेते हैं। तो ये आ गई प्रोसेस के हवाले से डिटेल जो कि उस एनालाइजर ने रिव्यू की थी। और इसके साथ हमने यहाँ पे इंसिडेंट के हवाले से जो काम हमने डिस्कस किया था कि इस प्रोजेक्ट एनालाइज की फैसिलिटी ये है कि जो भी नई इन्फॉर्मेशन आती है उसको वो ब्लैकलिस्ट के साथ मैच करता है, और मैच करने के बाद जो भी उसको प्रोसेस या नेटवर्क के हवाले से इंसिडेंट फाइंड आउट होते हैं उनको ये उस डेट की हवाले से इंसिडेंट फाइल के अंदर डाल देता है कि इस डेट में जितने भी इंसिडेंट इसको फाइंड होंगे डिफरेंट क्लाइंट से वो सारे के सारे जो हैं वो इस वाली फाइल में आ रहे होंगे इस डेट के हिसाब से। तो इस फाइल को हम खोल के देखते हैं कि इसने कोई इंसिडेंट रिकॉर्ड किया है कि नहीं किया। तो ये देखें इसने एक इंसिडेंट रिकॉर्ड किया है, वो कह रहा है कि इस फाइल के अंदर, इस इनके जो लॉग फाइल है हमारे पास बनी हुई इसके अंदर इस लाइन नंबर के ऊपर इस कंप्यूटर के ऊपर ये मुझे इंसिडेंट फाइंड आउट हुआ है एक्सेल डॉट एक्सी जो कि जिसकी डिटेल ये है कि मलिशियस प्रोग्राम रन नहीं है और ये 7184 नंबर प्रोसेस के ऊपर रन कर रहा था और इस नाम से रन कर रहा था, इसका स्टेटस रनिंग था और इसका स्टार्ट टाइम ये था। तो इसने ये सारे के सारे डिटेल हमें बता दी है। अगर हम ये जो डिटेल आई है कि कौन सा वाला मलिशियस प्रोसेस था ये इसने उठाई है यहाँ पे हमारे प्रोसेस के रूल्स की फाइल से, यहाँ पे हम जाके देखते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये पहली जो लाइन है इसके अंदर ये आ रहा था एक्सेल डॉट एक्सी मलिशियस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये इसने हमें यहाँ पे डिटेल दिखा दी है, और इस फाइल की 145 नंबर लाइन के ऊपर जो है जाकर अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये वाली सारी डिटेल वहाँ पे पड़ी होंगी। और हम अगर इस फाइल को खोल लें इसकी 145 नंबर लाइन के ऊपर जाएं, ये देखें 7184 पे एक्सेल डॉट एक्सी रन हो रही है। इसमें सिर्फ एक छोटा सा इशू है, वो मैंने अभी कोड में अपडेट कर देता हूँ कि 145 की जगह 146 के ऊपर जा रहा है। एक्चुअली पहली लाइन में चूंकि इसका वो हेडर भी पड़ा हुआ है, इन कॉलम्स के जो हेडिंग है वो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, तो इसलिए 145 की जगह 146 है। तो वो मैं कोड में चेंज कर लूंगा कि वो प्लस वन कर दे जब वो सेव कर रहा हो उस इंसिडेंट फाइल के अंदर इन्फॉर्मेशन। तो एक्चुअली वो 145 नंबर ही लाइन थी, लेकिन चूंकि जब हमने एक्सेल फाइल बनाई तो इसके अंदर सबसे पहले वाले जो रो है उसके अंदर चूंकि हेडर के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे दी तो वो लाइन नंबर एक एक ऐड हो गया। तो ये 145 की जगह 146 के ऊपर ये जो इंसिडेंट के हवाले से डिटेल्स हैं वो अवेलेबल हैं। और ये देखें ये पहली वाली जो लाइन है इसके अंदर मजीद चूँकि हमने ये वाली चीज़ ऐड की है तो इसकी वजह से वो लाइन में एक का इंक्रीमेंट हो गया। तो बहरहाल वो मैं सेट कर लूँगा अभी जाके। तो 145 के ऊपर हमने देखा कि इस फाइल के अंदर ये इंसिडेंट के मज़ीद डिटेल अवेलेबल थी, और ये उसने अलग से इंसिडेंट की फाइल भी हमें बना के दे दी। और ये जितने भी उस डेट में इंसिडेंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे सेव होते रहेंगे। इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर किसी ने लेटर ऑन फॉरेंसिक्स करनी है और उसको डेट का पता है कि मैंने उस डेट के हवाले से कोई रिव्यू करना है तो वो सिर्फ उन डेट की प्रोसेस वाली फाइल को इंसिडेंट की और नेटवर्क वाली इंसिडेंट की फाइल को आके खोलेगा तो उस डेट में जितने भी क्लाइंट्स की तरफ से जितने भी इंसिडेंट मैच हुए हुए होंगे वो सारे के सारे उसको नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखिए अब हम ये नेटवर्क के वाले से इंसिडेंट देखते हैं तो हमें बता रहा है कि इन वाली फाइल्स में, इन वाली लाइन्स पे, इस कंप्यूटर के ऊपर ये वाला जो इंसिडेंट है वो मैच हुआ है, ठीक है। और इसका मजीद डिटेल ये है कि इस प्रोसेस आईडी के अगेंस्ट रन कर रहा था, किस मोड में था, लिसन मोड में था, कनेक्शन एस्टेब्लिश था, लोकल आईपी क्या था,
लोकल पोर्ट क्या थी, रिमोट आईपी क्या था और रिमोट पोर्ट क्या थी, ठीक है, ये सारे के सारे जो मैच हुए हैं, ये देखें जो ये वाली चीज़ मैच हो रही है या ये वाली मैच हो रही है कि ये जो 254 है ये वेरी मेलिशियस सर्वर है, इसकी डिटेल, और 192.168 जो है ये मेलिशियस सर्वर है, ये हमारे पास पड़े हुए हैं जो हमारी नेटवर्क के रूल्स की फाइल है उसके अंदर, इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए ये जो 192.168 है ये एक मिलिशियस सर्वर है, इसकी हमने एंट्री डाली हुई है, और 254 वाला आईपी जो है ये वेरी मिलिशियस सर्वर है, इसकी हमने एंट्री डाली हुई है। तो ये हमारे पास डिटेल यहाँ से मैच होके आ रही है, और बाकी उसकी जो फर्दर डिटेल है वो इस आईपी की रेलेवेंट लाइंस के ऊपर उसने बताया कि यहाँ पे आप इसको जाके फर्दर चेकआउट कर सकते हैं इस लॉग फाइल के अंदर। तो ये यहाँ पर इस कंप्यूटर के ऊपर ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है इस डेट के ऊपर जो मेरे पास अभी नेटवर्क के वाले से मैच हुई हैं, ठीक है। और अभी हम फर्दर जब एनालाइजर के ऊपर जाके, क्योंकि अभी फर्दर इस प्रोसेसिंग के लिए डाटा अवेलेबल नहीं है, तो ये अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। अगर थोड़ी देर के बाद हम दोबारा से इसको कुछ क्लाइंट साइड से डाटा, मतलब किसी और क्लाइंट से आईडीएस का डाटा इसको मिलता है, तो ये फिर एनालाइजर वहाँ पे बता देगा। और देखिए हमारा जो सर्वर है वो कंटिन्यूसली अभी यहाँ पे रनिंग फॉर्म में ही है, मजीद डाटा लेने के लिए किसी भी आईडीएस के जो डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे जो मतलब फॉर्म में रन हो रहे होंगे उनसे डेटा लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये था हमारा अपडेटेड इंट्रोडक्शन आईडीएस का, जिसके अंदर हमने इम्प्रूवमेंट देखी कि हमने जो आईडीएस का एनालाइजर पोर्शन था उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आए, और उसमें हमने देखा कि हमने ब्लैकलिस्ट इम्प्लीमेंट की प्रोसेसेस के हवाले से और नेटवर्क के कनेक्शंस के हवाले से, और एनालाइजर ने अब हर डे के ऊपर जितने भी इंसिडेंट उसको डिफरेंट क्लाइंट से रिपोर्ट होंगे उनको उस डेट की इंसिडेंट फाइल्स के अंदर स्टोर करना शुरू कर दिया। तो ये था हमारा आज का जो अपडेटेड आईडीएस का इंट्रोडक्शन था वो असाइनमेंट नंबर 8 के लिए। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम।